नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। हिमाचल में जीती कांग्रेस और राजस्थान में हिल गई गहलोत की जमीन। राजस्थान की सियासत पर पड़ा असर, पायलट कर गए खेल। सचिन पायलट ने भाजपा पर कसा तंज, बोले उत्तर भारत में बीजेपी अपराज्य है, ये मिथक अब टूट गया। हिमाचल में सीएम की दौड़ में प्रतिभा सिंह सबसे आगे, अगर ऐसा हुआ तो लालू राबड़ी के साथ इस लिस्ट में होंगी शामिल। महाराष्ट्र में कांग्रेस की बाइक रैली को नहीं मिली इजाजत, पुलिस ने पूछा पहले बताओ नारा क्या लगाओगे, पार्टी का दावा। कुछ क्रूर शक्तियां, उनके एजेंट चाहते हैं भारत टूट जाए और प्रगति ना हो, बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी के भाषण पर दिया कड़ी प्रतिक्रिया, बोली पीएम के भाषण को उनकी हताशा बताया जा रहा है। ट्रांसजेंडर भर्ती मामले में महाराष्ट्र सरकार से कोर्ट नाराज, दो पद रखने पर जताई राजकीय भर्ती प्रक्रिया रोकने को दी चेतावनी। गुजरात में बीजेपी की जीत पर उद्धव ठाकरे का बयान, कहा महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट गुजरात शिफ्ट कर दिए गए। जयराम ने कांग्रेस को दी जीत की बधाई, बोले जनादेश का सम्मान करता हूं, उम्मीद है वादे पूरे होंगे, हार के कारणों का विश्लेषण करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, कहा इसके खिलाफ टिप्पणी ठीक नहीं, नया कानून लाने से कोई नहीं रोक सकता है। गुजरात में भाजपा ने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़े, सबसे अधिक वोट सबसे अधिक सीटें मिली, लगातार सातवीं बार जीत के रिकॉर्ड को छुआ। हिमाचल के 6% वोटर्स ने भाजपा को हराया, 2% से ज्यादा वोट के लिए तो कांग्रेस 19 सीटों का फायदा हुआ, बाकियों ने भी खेल बिगाड़ा। चक्रवात पेंडुस का खतरा बढ़ा, तमिलनाडु के 13 जिलों में आज रेड अलर्ट जारी, चेन्नई में पार्क प्लेग्राउंड बंद। टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले दोबारा गिरफ्तार, जमानत मिलने के बाद मोरबी पुलिस ने दूसरे केस में पकड़ा। चार सौ फीट गहरे मोरवेल में दो दिन से फंसा मासूम तनमय ने एनडीआरएफ चीर, 8 मीटर लंबी टलन खोदी जा रही है। खतौली चुनाव जीतने के बाद चंद्रशेखर आजाद से मिलने पहुंचे, बोले प्रशासन उन्हें चुनाव हराना चाहता था, कार्यकर्ताओं के कारण नहीं हो सके सफल। प्रेमी से शादी के लिए ससुर की फिर पति की हत्या, मर्डर की सुपारी दी, बच गया, दो दवाओं का ओवरडोज देकर मारा, क्राइम सीरियल देखकर प्लान बनाया। सहारनपुर में कुत्तों की आबादी पर होगा कंट्रोल, जिलों में बने गए एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, यहां नगर निगम के खुद पैसों से करा रहे नसबंदी। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में अराजकता, एबीवीपी के 5 बड़े मामले, बीसी ऑफिस में गुंडई करने पर हो चुकी है एफआईआर। गलत इंजेक्शन लगाने से बच्चे की मौत, मेरठ में गुस्साए परिजनों ने अस्पताल की तोड़फोड़ की, डॉक्टर कंपाउंडर अस्पताल छोड़ भागे।
आगरा में शादी से पहले दूल्हा पहुंच गया जेल, प्रेमिका का आरोप शादी का झांसा देकर 3 साल तक संबंध बनाए। लखनऊ के होटल में लगी भीषण आग, बिरयानी खाने आए एक युवक गंभीर, 3 गंभीर रूप से घायल। कानपुर सड़क हादसे में 3 भाइयों की मौत, शटरिंग लगाने के बाद कानपुर से लौट रहे थे, ट्रक की टक्कर से हुआ हादसा। वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में जलाए गए 21,000 दीपक, कार्तिक पूर्णिमा पर रंगनाथ मंदिर में हुआ भव्य आयोजन। प्रेमिका ने ठुकराए तो प्रेमी ने लिखवाए स्लोगन, रिंकू का दावा प्यार में धोखा खाए, लोगों से लेते आधा किराया, धोखा खाने के बाद खरीदा ई रिक्शा। वाराणसी एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स का हंगामा, 10 घंटे जमीन पर बैठे हाय हाय के नारे लगाए कर्मचारियों से नोकझोंक। औरैया में स्काउट गाइड कोर्स में डीएलएड प्रशिक्षकों की ट्रेनिंग, प्राकृतिक स्थलों के दर्शन कराए, टेंट बांधने और गांठ लगाने की दी जानकारी। छात्राओं ने कहा ऐसा हो हमारा मेयर, मेरठ में इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज की छात्राएं बोली नेता वो जो सबकी सुने। ग्रेटर नोएडा में पीएससी की महिला डॉक्टर से मारपीट, सोसाइटी में अवैध निर्माण का विरोध पर पड़ोसी ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में कुत्ते के विवाद में बरसाई लाठी गेट पर, युवक को कुत्ते की पार्टी कर रहा था, डॉक्टर ने रोका तो बीच सड़क दौड़ाकर पीटा। बरेली में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार दोनों युवकों को कुचला, फैक्ट्री से काम कर लौट रहे थे घर। कन्नौज में रोजगार के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, पुलिस ने 2 घंटे के ड्रामे के बाद नीचे उतारा, आर्थिक तंगी से जूझने की बात कही। मऊ नगर पालिका चेयरमैन पर भेदभाव का आरोप, कहा बिना भेदभाव के नहीं करते कोई काम, न स्ट्रीट लाइटें लगी न नालियां बनी है। हल्दीराम लिखे हजारों डिब्बे में भरी सोन पापड़ी में लगाई आग, आगरा के रोहता नगर क्षेत्र में हजारों डिब्बे मिठाई जलाई गई। मुरादाबाद में नो एंट्री बनी मजाक, 500 से ज्यादा पास एरिया में पहले ट्रक ने इंजीनियर स्टूडेंट को कुचला, अब महिला बच्चे को मार डाला। कुरखोगी माफिया दिलीप मिश्रा की संपत्ति, प्रयागराज में राजस्व विभाग की ओर से 7 करोड़ की जमीन चिन्हित की गई। बेलदाय के पीएससी के डॉक्टर प्रदीप सिंह सूर्यवंशी ने दिया इस्तीफा, बताया समस्याओं से घिरा हूं, लोग बोले समस्या स्वास्थ्य विभाग की राजनीति का हुए शिकार। सहारनपुर में गैंगरेप और हत्या के दोषियों को उम्र कैद, गवाही से पलटने वाले गवाहों पर भी धारा 344 की कार्यवाही, साल 2021 में घर में घुसकर की थी रेप। फर्जी दस्तावेज में 22 साल रिटायर्ड दरोगा अरेस्ट, कोर्ट से वारंटी जारी होने के बाद बरेली पुलिस ने की अरेस्टिंग। बाराबंकी में मुठभेड़ में 4 सुपारी किलर्स गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 3 तमंचे और 1 कार बरामद, 10 लाख गुजरात के व्यापारी की ली थी सुपारी। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान बदमाश हुआ पुलिस की गोली लगने से जख्मी।
गोंडा में चुंगी नाका पर कार सवार की गुंडई, टेम्पो चालक को भी चौराहे पर पीटा, टेम्पो चालक का पिटाई का वीडियो वायरल। लखनऊ अवध बस अड्डे पर अब बस पकड़ना होगा आसान, यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म हुए तय। रायबरेली में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी व डंडे। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में शिक्षक अनिल कुमार यादव लापता, कंपोजिट विद्यालय मनोरहार में तैनात था शिक्षक। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में उत्तराखंड पुलिस ने तीन और आरोपियों पर लगाई गैंगस्टर, अब तक 24 के खिलाफ हो चुकी है कार्रवाई। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री, लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज से विदेश दौरे पर निजी सचिव ने कर डाले फर्जी साइन, अब दर्ज हुआ मुकदमा। उत्तराखंड में इस्पात सेंटर पर छापेमारी से हड़कंप, आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े 10 से 12 युवक और युवतियां। उत्तराखंड में पीसीबी के फरमान से देश में खड़ा हो सकता है दवाओं का संकट, फार्मा यूनिटों पर लटकी बंदी की तलवार। उत्तराखंड में महादेव का रुद्राभिषेक कर हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दिन की शुरुआत, एलबीएस अकादमी पहुंची मंसूरी। कोतवाली पहुंचा दिलचस्प मामला, युवक ने रचाई तीन शादियां तो पत्नियों ने किया चौकी में हंगामा, शातिर की खुली पोल। उत्तराखंड में पीसीबी के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा सिडकुल, एसोसिएशन उद्यमी ले रहे विधिक राय। उत्तराखंड में सीबीआई ने चिप पार्सल सुपरवाइजर को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार, 7000 रुपए मांगने का आरोप। उत्तराखंड में राष्ट्रपति मुर्मू ने किया 2001 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण, बोली कहा कि हमारे संस्कृति वाहक बन के फूल जैसे हैं। उत्तराखंड में 1724 उद्योगों की एनओसी रद्द करने वाले एसपी समृद्धि, पीसीबी से छुट्टी आदेश जारी। उत्तराखंड में रिश्तेदारों संग पूजा से लौट रहा था परिवार, खाई में गिरते एक कार के उड़े परखच्चे, मातम में बदली खुशियां। उत्तराखंड में समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी के एडमिट कार्ड जारी, आयोग 12 दिसंबर को कराएगा टाइपिंग परीक्षा। उत्तराखंड में कूड़ा एकत्र करने वाले कर्मियों को देनी होगी वर्दी और आईडी, स्वच्छ सर्वेक्षण में किया गया प्रावधान। चारधाम से जुड़ेगा मानसखंड कॉरिडोर, पहचान दिलाने पे थौरागढ़ जा सकते हैं पीएम मोदी। उत्तरकाशी में ग्वाकाट गांव के एक मकान में लगी भीषण आग, आसपास के कई मकानों को भी पहुंचा नुकसान। अमेरिका में बीजेपी के सहयोगी संगठन जांच के घेरे में, लॉबिंग मामले में एफआरआई कानून के तहत चल रही कार्रवाई। यूक्रेन को याद कर फूट फूट कर रोए पोप फ्रांसिस, फ्रांसिस युद्ध को बताया इंसानियत की हार।
सैन्य अफसरों के खिलाफ विवादित ट्वीट, पीटीआई सीनेटर स्वाति की जमानत अर्जी पर सुनवाई 12 दिसंबर तक टली। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने जीता मानहानि का मुकदमा, ब्रिटिश अखबार ने मांगी माफी। बाइडेन ने वीजा के लिए प्रतीक्षा समय कम करने का दिया जोर, विदेश मंत्रालय से ज्ञापन पर विचार करने का आग्रह। अमेरिका में सेम सेक्स मैरिज बिल को मंजूरी, फाइनल अप्रूवल के लिए बिल राष्ट्रपति बाइडेन के पास भेजा जाएगा। सऊदी दौरे पर चीन के राष्ट्रपति, दोनों देशों के बीच 30 अरब डॉलर के समझौते होंगे। पुतिन की यूएस को धमकी का, हमारे पास दुनिया के सबसे खतरनाक एटमी हथियार, फिर भी फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। अगले महीने पाकिस्तान लौटेंगे नवाज शरीफ, इलाज के लिए 4 हफ्ते की परमिशन लेकर गए थे लंदन, 3 साल बाद वापस आएंगे। बीस लाख साल पहले ध्रुवीय क्षेत्रों में मौजूद थे पेड़ पौधे और जीव जंतु, दुनिया के सबसे पुराने डीएनए ने उगला राज। लॉन्च हो सकती है ट्विटर वेरीफाइड सर्विस, अब ब्लू के अलावा गोल्ड और ग्रे टिक में भी मिला, सरकार और कंपनियों का अलग बैच होगा। दस प्रतिशत तक बढ़ सकती है ईवी की कीमतें, घरेलू बाजार में साल भर में 60% से ज्यादा महंगी हुई बैटरी, राहत के आसार कम। दाल रोटी महंगी, एक महीने में 5% बढ़े गेहूं दालों के भाव, पाम ऑयल छोड़कर सभी प्रमुख खाद्य तेलों के दाम में मामूली तेजी। रियलमी ने लॉन्च किए 2 नए 5G फोन, 10 प्रो और 10 प्रो प्लस में मिलेगा 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा। HDFC समेत 3 बैंकों ने महंगा किया कर्ज, RBI के रेपो रेट में 5वीं बार वृद्धि के बाद अभी भी बढ़ेगी दर। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को जमानत, जासूसी और धन शोधन से जुड़ा है मामला। एप्पल की फिर बड़ी मुश्किलें, क्रिसमस के दौरान ऑस्ट्रेलिया में हो सकती है एप्पल कर्मचारियों की हड़ताल। एयरक्राफ्ट को मॉडर्न बनाने में 3,300 करोड़ खर्च करेगी एयर इंडिया, इंटीरियर्स का होगा कायापलट। LIC में पहली बार CEO की नियुक्ति, अधिकारियों ने बताया LIC को नए ट्रैक पर लाने की जरूरत है। बाजार फिसला नीचे, सीमित दायरे में रहकर कारोबार, बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी है जारी। चयन समिति के अध्यक्ष बन सकते हैं वेंकट प्रसाद, BCCI जल्द कर सकता है ऐलान। दूसरे टेस्ट से ठीक पहले पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलें, हॉरिस राउ के बाद नसीम शाह चोटिल। स्पेन फुटबॉल टीम के मैनेजर लुइस एनके ने छोड़ा अपना पद, राउंड ऑफ 16 से बाहर हुई थी टीम।
रांची के जेएससीए के स्टेडियम में 27 जनवरी को होगा भारत और न्यूजीलैंड के T20 मुकाबला। बीसीसीआई ने जारी किया शेड्यूल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब एआई नसर से जुड़ी अफवाह पर तोड़ी चुप्पी, बोले ये खबर झूठी है। पाकिस्तान में इंग्लैंड टीम की होटल से कुछ दूर फायरिंग, दो ग्रुप आपस में भिड़े, अब तक 4 गिरफ्तार। लाबुशेन का लगातार तीसरा टेस्ट शतक, वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए नाबाद 120 रन, पहले दिन ऑस्ट्रेलिया 303 पर 3। डेविड वार्नर का सनसनीखेज खुलासा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने ड्रेसिंग रूम में घुसकर बनाया दबाव, तब हुई टेम्परिंग। पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी दानिश कनेरिया ने भारतीय गेंदबाजों पर साधा निशाना, बोला इंडिया की बॉलिंग थर्ड क्लास थी। टीम इंडिया के लिए बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट से पहले बुरी खबर, सीरीज से बाहर हो सकते हैं शमी। आमिर खान ने अपने ऑफिस में की कलश पूजा, एक्स वाइफ किरण के साथ आरती करते नजर आए। अर्जुन कपूर अलग अलग स्टाइल में करना चाहते हैं काम, बोले मैं वो प्रोजेक्ट करना चाहता हूं जो मुझे खुशी दे। तय हुआ सिद्धार्थ कियारा की शादी का वेन्यू, चंडीगढ़ में ले सकते हैं सात फेरे, फैमिली ने शुरू की तैयारियां। सर्कस का पहला गाना करंट लगा रहे हुआ रिलीज, सॉन्ग लॉन्च इवेंट में डांस करते हुए दीपिका ने ली एंट्री, रणवीर सिंह ने लगाया गले। छत्रपति शिवाजी के दौर में इलेक्ट्रिक बल्ब देख भड़के यूजर्स, अक्षय कुमार की लगाई क्लास, बोले भला थोड़ी रिसर्च तो कर लेते। अक्षय कुमार ने पहली बार दिखाया अपना घर, लॉन्च किया खुद का फैशन ब्रांड, दिखाया अपना वार्डरोब कलेक्शन। एयरपोर्ट पर स्टाइलिश लुक में दिखी दीपिका पादुकोण, बांद्रा में ऑल ब्लैक लुक में स्पॉट हुई जैस्मिन फंसी। रिया चक्रवर्ती की लाइफ में नए शख्स की एंट्री, सुशांत के निधन के 2 साल बाद मिला नया पार्टनर, सीमा सजदे के भाई को कर रही है डेट। एक्ट्रेस की फुट मसाज करते दिखे राम गोपाल वर्मा, सोशल मीडिया यूजर्स बोले पब्लिसिटी के लिए क्या कर दिया। सिंघम टीम में दीपिका निभाएंगी लेडी पुलिस का किरदार, गाने के लॉन्च पर रोहित शेट्टी ने किया ऐलान, 2023 में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।